हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है भाई, बहुत 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 ज़्यादा ठंड है और सूरज देवता भी दर्शन नहीं दे रहे। कल एक बार थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए, मतलब दर्शन ही दिए थे, सिर्फ धूप आई थी तभी वापस चली गई। और काफ़ी दिन हो गए, धूप का कोई नामो निशान नहीं है, एकदम पूरी ठंड है, ओस भी नहीं है इतनी खासी और हवाएं चलती हैं, ठंड है बहुत 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 ज़्यादा। तो चलिए अभी ब्लॉग शुरू, पूरी दिनचर्या आज आपको दिखाएंगे क्या कुछ करेंगे, ठीक है? तो बने रहना ब्लॉग में, मज़ा आएगा। तो गाइस अभी खाने पीने की तैयारी हो रही है, माता जी ने जीरा भून दिया है, पापा ने दही के अंदर बूंदी डाल दी और अभी मम्मी बनाई हुई थी पराठे। और अभी पापा इसमें काट रहे हैं प्याज, रायता हमारा तैयार हो जाएगा फिर। और एक पराठा तो बन चुका है, अभी पापा कह रहे हैं 2-3 बनने के बाद फिर खाना स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे ये पराठा मैंने थाली में रख ही लिया है, दूसरा भी सिकने वाला है, कर लेने पापा शुरू। सिक जाएगा दूसरा, चपेट ज्यादा है मेरी। चलो करते हैं शुरुआत। जय श्री राम। आ जाओ फ्रेंड्स, आप भी खा लो। मम्मी पापा देखो मेरे हाथ में छोटी छोटी बुर्की तोड़ के दे। तो भाई सबका खाना पीना हो चुका है और अभी पिताजी को आप देख ही सकते हो कैसे अपने कंबल में पैक हैं। हैं, इतना प्रिय है आपको आपका ये कंबल? चट्टा में सा रहे हो हैं। अच्छा, चट्टा ज्यादा लगता है आपको भाई। सच्ची में सर्दी में अपने कंबल सबको प्यारे होते हैं। टीवी देख रहे हैं अभी, न्यूज़ सुन रहे हैं, और अगर मैं 2-4 बातें और बोलूँगा तो 2-4 बातें फिर पापा बोल देंगे, मेरे को वीडियो बंद करनी पड़ जाएगी, इसलिए मैं आपको जी वीडियो बंद कर देता हूँ। देख लो भाई, न्यू रोटी और जम करी जा रही है। पापा ये तो हुए हैं। जान तो देख रहे हो इस आदमी है, और इसकी लुवाई है इंधन वाने रखे ने मेरे फोन पे स्क्रैच स्क्रैच मार दी, और उसके बाद फिर नहीं हो गया है। देखो खुद में नहीं गड्ढे है, बदलवाई देंगे बस भी। तो ये कंबल निकाल के लाई है माता, पिताजी को दिखा रहे हैं, पापा अपने फोन में ही व्यस्त हैं। देखो जनाब कैसा लगा आपको ये कंबल? मुझे लगा इसकी चौड़ाई तो है ज्यादा, लंबाई तो फिर भी ठीक है, चौड़ाई में भी नहीं की दिक्कत से कम है कि मैं तो दिक्कत है कंबल में इसमें उसे हेड मेरे ख्याल में थोड़ा हा लंबा तो है, फिर चौड़ा भी का है थोड़ा जी। बड़ा कर दिया पिताजी ने फाइनल। रूम हीटर ले लो। अच्छा, रूम हीटर और कुछ? इस हीटर आए ने 18 साल होगी। अच्छा, और ये आज निकाल लिया गया है ठंड के कहर को देखते हुए, आज इस हीटर को अपने कमरे में लगा दिया जाएगा। यूं 10-12 साल तक भीतर रखा कर देख नहीं। अच्छा, दादा 2-3 साल चलाया करना है, आ फिर दर दिया था यूं ठहर करना है 10-12 साल, ये फिर जब कर दिया था तो दादा बीमार होया, जब पाछा ने हक दे ला लिया, हक दे टाड़ कर दिया।
अरे बीमा में तो नाटा देते ही रहे हो जी ला दे तो ठंड भी तो नहीं हो रही है एक बारी छोड़ में बड़ा नहीं जम्मा ठंडी लग गए है जो 2 मिनट खातर बैर लियो जो छोड़ रोटी ठंडी हो जाए ठीक सभी तो वही अभी पापा हीटर की फिटिंग वगैरह कर रहे हैं जुगर आप ऐसे चलाया कर दे नहीं न्यू एबीयू चलाना है पिछली बार भी अपन न्यू गिरा था और ग्राइम मिस्त्री है वही मारे तो सारा काम खुद ही कर रहे हैं चंदना दिखा बड़ा कर दिखाऊं ये है पापा की ड्रेस मम्मी का रहेगा ड्रेस फिलहाल तो मेरी शर्ट के कारण लग रहे हैं और फिर करेंगे पापा वाली है की खाओ गले गले नमकीन कले कले जाट के ठाट चाह पी कौन हो गया और डाल का पाचा पाचा जी तो मैं सोचा दवा खिलाने नमकीन के दे दे ठीक बढ़िया ही प्रेस करती हो तरह सीख ले खुद भी ना मेरी माँ रही करने वाली माँ तो लीप करते रही 4-5 एक भी नहीं हो रहा फिर बिना प्रेस की बैर लूंगा नो तो मेरा चाचा या खूबी तो तेरे मत मारूंगा मैं प्रेस के पा रही और चढ़ लिया आप रही 15-15 दिन के ठाक है गिर ले शाबाश प्रेस करते और यहाँ मेरी माता पैकिंग कर रही है या पेस्ट के कागज़ थे टूथपेस्ट क्या और ये पिताजी के कपड़े और पिताजी अभी यहाँ है ही नहीं घर का सामान लेने गया और पीछे से कर दी माता ने पापा की पैकिंग पापा घर से बाहर क्या गए मम्मी ने पापा को घर से बाहर भेजने की तैयारी कर दी वाह 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 क्या टाइटल मिल गया यो कंबल काट दिया हाँ अभी ये कंबल भी इसमें डाल देंगे यू है ना ना इसमें कौन डालता है और यू तो उड़ के जाओगे क्या बात है रात ना ठंड हो जाएगी मतलब रात को रवाना करेंगे पापा को सही बात है एकदम बढ़िया आए तो सही उसमें बाद में डाल लेंगे नहीं आप थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गए माता जी ने आपको घर से निकालने की तैयारी कर दी कोई बात नौकरी में भी जाने दी है ड्यूटी चढ़ेगा मेरा पापा आज और घर बैठे बैठे आप तो लोग बनावा माँ बेटी बेले बैठे की मैं तो काम ये भी करेगी और ये ग्लव्स लेके आई है देखो और अभी जब ले आए तब कह रहे बड़का नहीं ले आया तेरी माँ का है मैं तुम अच्छा बड़का। मेरा तो सही है सही है हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली पैकिंग हो गई है जनाब आपकी ठीक है और मेरी मम्मी ने देखियो शाम का टाइम हो रहा है जमा ठंडी ठंडी हवा चलने लग रही है छत पे खड़े हैं मेरा जी कर गया 3 दिन हो गए मतलब गेट से लिख रहे हैं अपना फोन आज तो अभी 1.5 GB नेट वाले हो रहे हो और ले भाई 1.5 GB का मेरा हो गया 1.5 GB का मम्मी का 3 GB हो गया हमारे पे तेरा तो जरा ऊपर फ्री चल रहा है 5G फिर ऊपर कौन बैठा है इतना बैठा कौन यार रोला है सही बात है और पापा गए वॉली खेलने शामी आर्यन बन रहे क्रिकेटर आर्यन डॉन छोटा बालक के मजे लेने जा रहा देख लो काम किसका है बेबे का मेरा बहन जाए तो 2 दिन रहा अपना वैसे बिक जाएगा ये मेरे भतीजा और मेरा बहन जाए खेलने जा रहे हैं
यह है कि मेरी बुआ जिसका गला बतला ने या मेरी मम्मी ऐड आई थी और मैं स्पेशल छत पर नहीं आई मां शोमती आ गई के देख के आऊं बतला ले तो भाई ऊपर से आ गए हैं हम लोग और ऊपर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी बिल्कुल अब ठंड चढ़ गई है दिमाग में उसको उतारने के लिए एक ही चीज काम करेगी वो है चाय वो भी अदरक वाली और लाइट आई हुई है तो इंडक्शन का फायदा उठाते हैं मैं इस जग में ही बना दूंगा देखो चाय पहले अदरक छोटा छोटा काट लूँ थोड़ा सा इसमें दिखाता है आपको तो भाई मैं सीधी दूध में ही चाय बनाता हूँ हम ना दूध लेके आते हैं ना उसमें सीधा पानी डाल देते हैं तो फिर पूरे दिन चाय कॉफ़ी ऐसी बनती है दूध में बार बार मतलब पहले पानी उबाल के फिर उसमें दूध डालने वाली चाय पसंद नहीं है हमें अब इसी की आदत हो गई है तो वो दूध उसमें सौंफ अदरक डाल दी और चीनी उसका पत्ती नहीं चाय पत्ती सब डाल दिए हैं अब इसमें जग में फटाफट से उबल जाएगी इंडक्शन का फ़ायदा उठाओ भाई चाय तैयार है भाई आ जाओ और अभी अभी मम्मी ने एक ऐसी खबर दी अक्षय गया नाना के घर हैं चढ़ी गया तो गाड़ी में भीड़ रही थी हल्की चढ़ी गया फंस गया अक्षय भी गया अभिषेक पहला ही उड़ था रह गया मैं और आज पापा भी जावे हैं गरा मम्मी मैं चाचा चाची बस पापा भी चलेंगे खड़े चलो चल चलेंगे अपन चलो समाना अपना भी चलो बंदे करा अपन इनका अगर कटका ले क्या सही बात है आज जान दे तेरे पापा ने बस हां बस इबे इस बात का फाइनल तोड़ होगा इसका सही बात सोचो तुम अक्षय उरे सोजे तम ने कह ली जाओ हम भी बस हम जा रहे हैं कौन इसी बात पे माता चलो हम नहीं रहेंगे यहां अभिषेक को नहीं आया काफी अक्षय भी गया पापा भी जाएंगे जानना तू तो के अमादा आज सवेरे आपका जी कर रहा था वह चीज करे ली है हाँ मेरा जी कर रहा था बाजरे की रोटी खाना अपने मन की कर ऐ मम्मी सस्पेंस खराब कर दिया आप भी नहीं अच्छा बेटा आ जाओ काट दे ना ना आप फेक चीज नहीं दिखाएंगे कुछ भी रियल चीज दिखाएंगे सिर्फ देखो बाजरे की रोटी आज खा लो बाजरे की रोटी मैं चीटने के लिए खाऊंगा सब्जी के लिए कौन खा क्या तो जीवन सेज जाई गाजर की भी सवेरे की मुनी ओ तेरी की अपन ने सब्जी बनाई नहीं जब 11:30 हो रहे थे और जड़िया में कदे भी कौन से इतना मम्मा सेज है मम्मी उसमें आलू पड़ रहे हैं मैं क्या करूं उसमें गाजर पड़ रही बेटा जान तो सब्जी है दिन में काई भी नहीं है दिन में तो कुछ कुछ नहीं पापा नहीं मैं कहीं जाया कर रहा मेरी माँ तो लो रोटी से कौन सा लोगे मैं खाऊं ले थाली तेरी पहला ले लो भाई बाबा की दया था चौके करा लिए हैं बाजरे की रोटी में ऊपर दर लिया बाबा की दया था मैट बिछा के बैठ जी ठंड लग जी वेरी गुड एक्सीलेंट पापा थैंक यू भाई कंटेंट दो हमें लेके को नाम में गलत बात है भाई अंदे मैंने नहीं कहा बैक दरो भाई पापा ने छोटे जान का अंतर भी आएगा भाई तो भाई मेरा भतीजा तेरा भतीजा ग्रां है पांचवी साल देखा था अच्छा है भाई नहीं साल आना दिन गए ग्रां उस दिन पाया नहीं पिछली साल देखा था मैंने मेरा भतीजा अभी मेरा भाई लिया ही कोई नहीं आज छोटने का नाम दिहान है के बोल रहा है क्या भाई कि मैंने कहा हां फाइनल साथ हो अच्छा फाइनल को नहीं पूरा फाइनल तो है कोनी हूं लगभग है आज वोट डाले थे अच्छा आज वोट डाले थे दिन में ध्यान सोचा है नाम देखो भी फाइनल होगा तो आपको बताएंगे आई माता अभी खाना बना के खा के हटे वो बर्तन अभी आपने साफ किए ही हैं कि अब फिर
बर्तन ही साफ करे वाला 10 बजे कर दिए थे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि खाकर सबूत मिटाया और अब फिर दोबारा खाना बन रहा है, पराठे बन रहे हैं पराठे। पापा ही पैकिंग कर दी, पापा खाना बनाने लग गए हो, टोरो मेरे पापा ने गड़िया है रात में इंपोर्ट करें नहीं इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट। वो क्या होता, कहना क्या चाहते हो? हम जो कहना चाहते हैं वो हमारे दर्शक समझ चुके हैं और अभी पापा के लिए बन रहे हैं पराठे, ये वो साथ लेके जाएंगे। ले तो जाओगा, खा लेगा जिंदगी है। यू तो है। एक बारी है जब मामू और सारे इकट्ठे गए थे नी, वो आपने चुरमा बनाया गया लिया था, उसका उल्टा ही आ गया था नी। ना उड़ तो नहीं आता। और वो तो बाला जी गए थे, उड़ता आया था साला, सरता आता तो। अच्छा जद भी घने जने तो थे, उल्टा ही आ गया। आपके कपड़े डाल दिए हैं, आपका खाना बना के डाल दिया है और मेरी मम्मी ने आप थी एक्सपोर्ट करने की पूरी पूरी तैयारी कर दी है। ठीक है, रातों रात आधी रात को पापा को यहाँ से रवाना कर दे अभी जा रहे हो। तो वही 12 बज चुके हैं और पापा हो गए हैं तैयार। तैयार श्यार हो गए पिताजी, अभी चलने की तैयारी है इनकी। ये आई पापा री सवारी। चला चलो ये आगे जाने वाले बंदे, बाय बाय, जय माता दी। खुले खुले लो सुन देखो नी जमा जान की ये हो रही है। ये है उकलाना तक की सवारी है नी भाई। हाँ उकलाना अच्छा जी, बाय बाय। अरमन ने बोला था, मेरे तो नहीं बोला। फोन कर दियो यार, आता एकदम से फ्लैश बंद हो गई थी तो मेरे ख्याल कहीं वीडियो भी बननी बंद होगी वो, और अंधेरे में फिर मेरा फेस भी नहीं दिख रहा था। तो पापा गए वैष्णो देवी माता के दर्शन करने, माता का बुलावा आ गया तो चले गए। साथ में एक चाचा गए हैं, अजय भैया सिर्फ उकलाना तक छोड़ने गए हैं फिर आगे ट्रेन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ही था बस व्लॉग में। कैसा लगा कमेंट करके बता देना, लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी उखलाना से जब पापा ट्रेन में बैठ जाएंगे फ़ोन कर देंगे, नींद तो तब भी आनी है, अभी तो आनी नहीं, 1:30 बजे ही है शायद ट्रेन, 1 से बाद ही है ट्रेन तो, और धुंध करके और भी लेट होगी तभी आएगी नींद। तो मम्मी वाले फ़ोन पे व्लॉग अपलोड करना छोड़ रखा है और चलो टाटा बाय बाय बोल के इतना बोल गया मैं, बाय बाय।